वेलकम बैक टू बिजनेस लंच। नाजरीन, हम आज बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे कि कितना रोल प्ले करती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक अपलिफ्ट में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मार्केट अपडेट्स की तरफ, विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है। 100 इंडेक्स को देखा जाए तो 18.34 पॉइंट से पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। वॉल्यूम टोटल था 12,578.62। 30 इंडेक्स को देखा जाए तो 94.89 पॉइंट से ऊपर गया। 11,822.28 इसका टोटल वॉल्यूम था। एंड ऑल शेयर्स को देखा जाए तो 15.29 पॉइंट से ऊपर गई। 8,718.72 इसका वॉल्यूम था। KSE 100 इंडेक्स का टोटल वॉल्यूम वाज 36 मिलियन के करीब एंड टोटल मार्केट वॉल्यूम वाज 44 मिलियन के करीब। एंड नाउ वील टेल यू व्हाट बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके SMEs के लिए। SMEs के लिए बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने वैसे तो लिए, लेकिन वो कितने कारआमद है, कितनी हद तक वो काम कर रहे हैं, ये हम देखेंगे स्लाइड्स के थ्रू। हम आपको अभी स्लाइड्स दिखाएंगे कुछ ही देर में, विच आर गोइंग टू एक्चुअली शो यू कि गवर्नमेंट का क्या किरदार है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स, जो कि छोटे ताजरों के लिए या छोटे सनत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। और प्री इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इन्वेस्ट करने से पहले काउंसलिंग ले लीजिए कि आपको किस जगह पे किस सनत में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाई, लेकिन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के तरफ जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तोड़फोड़ का शिकार है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने के तरीके भी आपको बताए जा सकते हैं। सेटअप ऑफ टेक्निकल सर्विसेज सेंटर, ये टेक्निकल सर्विसेज सेंटर वो हैं जो कि आपको सनत के प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल जो भी उसकी नो हाउ है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। उसके बाद पाकिस्तान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन बनाई गई, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन बनाई गई, सिंध स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन बनाई गई, जो कि SMEs को गाइडेंस देने में काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। आपको अगर किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इन इदारों की तरफ रुजू कर सकते हैं, जो कि आपको वाकई में मदद भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि आपको अपने SME किस तरीके से चलानी है। उसके बाद NWFP फैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री बलोचिस्तान भी बनाया गया। गर्ज ये कि सारे सूबों के अंदर ऐसे बोर्ड्स बना दिए गए हैं जो कि वाकई में हेल्प कर सकते हैं आपको आपकी SME को अच्छे तरीके से चलाने में। फिर पाकिस्तान स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाइब्रेंट मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को फरोग देने के लिए डिफरेंट स्टेप्स जिस तरह के आपने देखे कि गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन अब ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी हिम्मत करते हैं, सिर्फ जॉब्स के पीछे मत भागिए। वाकई में छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरियल जगह हैं, वर्कशॉप्स मिलती हैं आपको, जहाँ जाके आप ये लर्न कर सकते हैं कि आपने अपना बिजनेस किस तरह से चलाना है। वापस चलते हैं जुल्फ़िकार थावर साहब की तरफ, जो कि हमें कुछ ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि स्मीरा का क्या रोल है। और 28 प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताया कि 28 प्रोजेक्ट्स स्मीरा कर रही है। पूछते हैं कि 28 प्रोजेक्ट्स एक्चुअली हैं क्या और किस बारे में। ये वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए है जी, और स्मीरा इस पे वर्क कर रहे हैं जी। और जैसे अभी सिंध के अंदर एक वो मिर्ची का वो है, क्योंकि मिर्ची जो है वो नीड्स टू बी ड्राइड, यू नो, जब ये ड्राई होती है तो फिर ये प्रिजर्व हो जाती है। तो और मिर्ची यहाँ बहुत होती है, सिंध की मिर्ची जो कुंडरी एक जगह, वहाँ की जो मिर्ची होती है डंडीकट, वो दुनिया भर में मशहूर है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चिलीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए स्मीरा इज गोइंग टू पुट अप अ प्लांट। सारा सब कुछ हो गया हुआ है, उसका एक अलग उसका एक बोर्ड भी बन गया हुआ है अलग से जी। तो वो करेंगे। फिर ऐसे ही स्मीरा ने मार्बल्स पे किया है, जेम्स एंड ज्वेलरीज पे किया हुआ है और दूसरे बहुत सारे आइटम्स पे, यू नो। तो ज़ुल्फ़िकार साहब, अगर इन तमाम चीज़ों की बात की, एक मिर्चों का आपने एक फैक्टर बताया, स्पाइसेस की बात कर लें, जैम्स स्टोन्स की बात कर लें, इंटरनेशनल मार्केट तक हमारी जो रीच है बहुत कम नज़र आई पिछले साल के मुकाबले में। हमने देखा फिस्कल ईयर कंप्लीट हुआ, एक्सपोर्ट्स बहरहाल अप टू द मार्क रही हैं, लेकिन बहुत सारे और दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ा। प्रमोशन के हवाले से बात की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स स्मीडा की तरफ से लिए गए, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए। स्मीडा एज आई सेड, यू नो, इट इज़ अ कंसल्टेटिव बॉडी जी, और स्मीडा ने कोई 200 इंडस्ट्रीज की फीजिबिलिटीज बनाई हुई है। जैसे आपको अगर कोई इंडस्ट्री डालनी है ना, तो पहले आप चेक कर लें स्मीडा के वेबसाइट पे, तो आपको उसकी वो मिल जाएगी फीजिबिलिटी, आपको रेडी फीजिबिलिटी।
और अगर वहाँ आपको नहीं भी मिली और आपकी कोई इंडस्ट्री उससे मुख्तलिफ है तो आप समीरा को कांटेक्ट कर सकते हैं, एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट वो आपको पूरी फिजिबिलिटी, तो आपके लिस्टेड मेंबर्स बन जाते हैं जी, तो आपको फिजिबिलिटी बना के देंगे। दूसरा, जैसे समीरा का एक रोल है और जो मैं उसको हमेशा हाईलाइट करता हूँ और समीरा के पीछे भी मैं पड़ा हुआ हूँ कि आप इसको करें, वो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्क करें, ट्राई एंड गेट, बिकॉज जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि देखिए हमारे मुल्क में चिप्स बनते हैं, पोटैटो चिप्स आपने देखा होगा, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की, आप पैकेट खरीदेंगे अंदर, आपने जब इम्पोर्टेड खरीदा तो वो स्ट्रक्चर्ड चिप्स होंगे, ऑल चिप्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज स्टैंडर्ड, और वो इतने से बॉक्स के अंदर यू विल गेट अबाउट 400-500 chips, all of the same size, you know, structure. Same size, same quality, same thickness, everything is same. अच्छा, आपके मुल्क में potatoes बहुत है और वैसे ही आपके मुल्क में हर चीज है, आप देख लें वेजिटेबल्स आपके मुल्क में कितने हैं, फ्रूट्स कितने हैं, सरकार साहब, लेकिन मसला सारा ये है कि रॉ मटेरियल्स तो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं या रॉ मटेरियल्स को तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, कॉटन हो गया, लेदर हो गया, फ्रूट प्रोडक्ट हो गए, फिशरीज में भी हमने देखा कि लास्ट ईयर ही यूरोपियन यूनियन ने भी पहले तो मना किया था, उसके बाद सऊदी अरब के अंदर भी जद्दा रियाद के अंदर बंद हो गए हमारी फिशेज जाना, तो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, क्या हम लोगों के यहाँ लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं कि आपको पॉलिश्ड चीज या पॉलिश प्रोडक्ट फिनिश कर भेजना है इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल? यू सी, दे नीड टू बी एजुकेटेड, एजुकेशन जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है SMEs के लिए, और गवर्नमेंट इनको फाइनेंस दे या ना दे, आई एम सेइंग, लेकिन एजुकेशन जरूर दें, अगर एजुकेशन देंगे ना तो देन दे विल कम अप विद मॉडर्नाइजेशन, देयर इंडस्ट्रीज विल बी अपग्रेडेड एंड दे विल बी अपलिफ्टेड, एंड जैसा अभी एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि यू नो इमीडिएटली वी नीड टू गो इन फॉर डिहाइड्रेशन एंड कोल्ड स्टोरेज, यू सी दीस टू थिंग्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, बट डोंट दे रिक्वायर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है जिसका वाकई में यहां भुगतान? एनर्जी, एनर्जी तो एक है ही ना, हमारे मुल्क में अभी क्राइसिस है, दैट वी नो, ओके, अच्छा अब हमने इस क्राइसिस को लेके नहीं बैठना है, हमने जाना है ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर वी हैव गॉट सोलर, वी हैव गॉट विंड, विंड के ऊपर एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो विंड कॉरिडोर में आता है या नहीं, दैट इज टू बी सी, तो अच्छा, और अब जैसे समीरा ने ही मुझे इन्फॉर्म किया कि लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन है कि विंड, विंड के जो टर्बाइन और ये है वो दे आर वेरी कॉस्टली, तो इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो दे आर कॉस्टली इफ यू वांट ह्यूज वंस, बट स्मॉल वंस आर आल्सो अवेलेबल, ऐसे टर्बाइन भी गए हैं जो कि प्लास्टिक के बन रहे हैं, अगर आप horizonsbusiness.com पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ भी ऐसे टर्बाइन मौजूद हैं जो कि प्लास्टिक के, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ द विंड मिल्स, तो ये है, तो एनर्जी को हम अच्छा वो कर सकते हैं, तो लेकिन ये है कि इनको एजुकेशन बहुत जरूरी है, एंड दे शुड गो इन फॉर वैल्यू एडिशन, जहाँ तक देखें अभी लेदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब लेदर का आप देखें ना कितनी रिक्वायरमेंट्स है दुनिया भर में, जैकेट्स की, बेल्ट्स की, शूज की, लेदर इज द नेक्स्ट हिप थिंग फैशन में, या एंड और हम उसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रमोशन की बात करते हैं, एजुकेशन की आपने बात की, स्किल्ड लेबर का आपने कहा कि स्किल्ड होना जरूरी है, इनको एजुकेट करने की जरूरी है, तो हमने अभी गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में एक चीज़ डिस्कस की, हमने कोई सोलर एनर्जी के ऊपर हमने प्रोग्राम किया, हमने एनर्जी के ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के ऊपर प्रोग्राम किया, एक हमारे पास और ऑप्शन हमारे सामने आया कि जो सोलर के पैनल्स थे उसकी पाकिस्तान में, क्योंकि सिलिकॉन बड़ी वाफर मकदार में पाई जाती है और इसको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इसके ऊपर हाईलाइट करने की ज़रूरत है, बहरहाल उसके आप बारे में देखें जाके हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए, हमने बड़ी नॉलेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड की और हम इन्वेस्टर्स को इस तरफ उनकी जो है अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की कि जो सोलर पैनल्स हैं बड़ी आसानी से इनको जो है बनाया जा सकता है, इनको बहुत आसानी से जो फिनिश किया जा सकता है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसकी तरफ इसको हाईलाइट करने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको क्या ज़रूरत है? हमने अभी अभी इनको ना बहुत सी इंडस्ट्रीज दी इंटीरियर सिंध में और जाके हमने उनको बताया कि ये आप ऐसे ऐसे करें, तो बट एक्चुअली यू नो यहाँ हमारे मुल्क में एक बात ये है कि दे वुड लाइक टू गो इन बाय लाइक दे आर आस्किंग अस दैट यू सेट अप अ मॉडल, ओके, जब भी हम इनसे कहते हैं कि आप ये करो तो कहते हैं आप एक मॉडल बनाएं और आप मॉडल लगाएं और फिर हम उसको देख के कॉपी करेंगे, तो मॉडल तो हमारे पास बहुत सारे डिफाइन है, हमारे पास डिफाइंड है, बट व्हाट दे वांट इज दे वांट प्रैक्टिकल मॉडल्स, जैसे अभी हमने इनको पैडी ड्राइंग का बोला तो ये कहते हैं राइस का, देखे ना राइस जितना ओल्ड क्रॉप होता है उतना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये हम जैसे लास्ट ईयर का राइस हम रखते हैं कि वो ड्राई हो जाए, उसका मॉइस्चर